जिम्बाब्वे की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे ने अपने से मजबूत टीम पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार हराया और दिखा दिया कि वे भी अब किसी से कम नहीं। पाकिस्तान को हराने में सबसे बड़ी भूमिका सिकंदर रजा ने निभाई। इन्होंने अपने आखिरी के 2 ओवर में 3 विकेट लेकर मैच का रुख ही बदल दिया। ऐसे ही नहीं, इन्हें जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का रीढ़ माना जाता है। इन्होंने ऐसे कई मैच में अपने दम पर टीम को जिताया है। एक ही महीने में 3 ODI शतक चेस करते वक्त लगाने वाले यह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं, पर फिर भी लोग इन्हें कम ही जानते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में वे खास बातें जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। सिकंदर रजा का जन्म 24 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ। 2002 में वह अपने परिवार के साथ जिम्बाब्वे आवासे, मगर वहां की नागरिकता पाने में 9 साल लग गए। 11 साल की उम्र से ही वे एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे। रजा ने पाकिस्तान के एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाई की और एग्जाम भी क्वालिफाई किए, लेकिन विजन टेस्ट में फेल हो गए और फाइटर पायलट बनने का सपना टूट गया। इनको क्रिकेट में इंटरेस्ट इनके पापा और अंकल के जरिए हुआ, जो चाहते थे कि ये पाकिस्तान के लिए खेलें, पर किस्मत को कुछ और ही पसंद था। सिकंदर जिम्बाब्वे जाने के बाद वहाँ छोटे मोटे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लगे। धीरे धीरे उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में पॉपुलैरिटी मिली, सिलेक्टर्स को उन पर ध्यान गया। उसके बाद सिकंदर को जिम्बाब्वे टीम में शामिल करने के लिए उन्हें वहाँ की नागरिकता 2011 में दिया गया। सिर्फ इंग्लैंड को छोड़कर सिकंदर सभी टीम के खिलाफ ODI मैच खेले हैं। 2022 में वे कुल 9 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किए हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में सिकंदर रजा को असल पहचान भारत के खिलाफ मैच में कमाल के बाद मिली। 2013 में भारत के जिम्बाब्वे दौरे के वक्त उन्होंने 82 रन बनाए थे। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था। कोहली ने साल 2016 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 बार मैन ऑफ द मैच बनने की उपलब्धि अपने नाम की थी, लेकिन साल 2022 में 7 बार ये खिताब जीतकर रजा ने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।